नमस्कार, डिजिटॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि आपके पास ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी है या कौन सा गैजेट है आपके घर में जो या तो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका है या आने वाले कुछ महीनों में या ज़्यादा से ज़्यादा एक दो साल में ऑब्सोलीट हो सकता है। और ऐसे हम शब्द ढूंढ रहे हैं कि ऑब्सोलीट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, और कोश में ढूंढ रहे हैं कि ऑब्सोलीट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पुराना या गायब हो जाएगा। अप्रचलित क्या होता है? ओके, युक्त। इससे आगे बढ़ते हुए तो कुल जी, आप पहले बताइए कि आपके मुताबिक ऐसे कौन से दो तीन या चार गैजेट्स हो गए या प्रोडक्ट्स हो गए जो आपके घर में है, जो आप इस्तेमाल करते हो डेली बेसिस पे, वो आपके हिसाब से ऑब्सोलीट या पुराने या अविकसित क्यों हो जाएंगे? मुझे लगता है कि कई टेक्नोलॉजीज हैं, जो कई गैजेट हैं जो पुराने हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे घर पे, वो रखे हुए हैं ऐसे एज इट इज। जैसे डीवीडी प्लेयर, वो ऐसे कैसे रखा हुआ है, मेरी सिस्टर की मैरिज की जो सीडी थी उसके सिवा हमने उसमें कुछ नहीं देखा आज तक। तो तुम कहाँ पे देखते हो अगर तुम्हें कोई मूवी या टीवी शो देखना होगा जो टीवी पे नहीं आ रहा? एक्चुअली या तो यूजुअली फिल्म देखनी होती है तो सीधा हॉल ही चले जाते हैं, और बाकी जो टीवी देखते हैं और इतना टाइम होता नहीं है कि देख पाए। तो एसेंशियली आपके मुताबिक अगर कुछ देखना हो तो वैसे ही टीवी पे आता है या तो आप और आजकल मूवीज वैसे भी बहुत जल्दी टीवी पे आ जाती है, मोबाइल पे आराम से देख सकते हैं। और दूसरी कैमरे भी आजकल मेरे हिसाब से मोबाइल में जब इतने अच्छे मेगापिक्सल कैमरा आ रहे हैं, 21 मेगापिक्सल आपको आराम से मिल जाता है, इट इज आप उसे ले भी आराम से पाते हैं, कोई ज्यादा महंगे नहीं आ रहे। तो कैमरा भी एक चीज गायब होने वाली है जल्दी। जो पॉइंट एंड शूट कैमरा है, आप कह रहे हो कि जो पॉइंट एंड शूट कैमरा है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके फोन में इतने अच्छे कैमरा। ये दो हो गए, और तीसरी तकनीकी विकास हम देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। आज हम मोबाइल से स्ट्रीमिंग करके कुछ भी वीडियोज हैं, सॉन्ग्स हैं, आराम से आप मेट्रो में जाते हुए मोबाइल पे देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जितने भी तार थे, जो जंजाल था, वो खत्म हुआ है एक तरह से। ये तो बहुत बहुत, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एडवांसमेंट है कि तारों के बिना बहुत सारा डेटा जो स्ट्रीम हो सकता है वायरलेसली, क्योंकि टावर्स के तौर पहले लोग बात करते थे कि तार से हमें इतने सारे जुड़ पाते हैं एक दूसरे से। आजकल मोबाइल के आ जाने से आप बिना तार के किसी से भी कहीं भी विदेशों में बात कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि तकनीकी विकास है मोबाइल का आ जाना। ठीक है, और वरुण आपके मुताबिक हमारे पास ऐसे कौन से गैजेट्स हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं? काफ़ी सारी चीज़ें, एक इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि काफ़ी चीज़ें पुरानी हो भी जाती हैं और एक तरीके से आप वापस भी आ जाती हैं। जैसे मेरे केस में क्या है, मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हूँ लेकिन पूरी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ, तो हमारे लिए वैसे एक वो एक मेंटेलिटी होती है ना कि वापस आते हैं और कहते हैं यार कुछ नहीं, इंडिया में कुछ होता है। लेकिन पिछले 500 साल मुझे इंडिया में रहते रहते और इतनी जल्दी विकास देखा है, इतनी जल्दी देखा कि नई चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे कोई फिल्म होती है तो आपको मिल जाती है इंटरनेट पे, अब कोई नया फ़ोन आ रहा है तो वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट गिनते हैं, इतना बड़ा मार्केट है मोबाइल, सबसे दुनिया का सबसे तेज़ बढ़ता हुआ। तो फिर तेज़ बढ़ते हुए मार्केट्स में से एक है। तो फिर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स है जो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे आई है और ऑब्सोलीट हो गई है, या ऑब्सोलीट हो गई है क्योंकि उसके कोई नए वर्जन आए हुए हैं? मैं एग्जांपल दूंगा अपने पेरेंट्स का, सीनियर सिटीजन का एग्जांपल देना चाहिए हमेशा। तो पापा के जैसे है ना स्कैनर वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे मैं उनको दिखाता हूँ कि आप कैमरे से कर सकते हो, डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ कर सकते हो, किसी भी तरह स्कैन कर सकते हो, वो स्कैनर पे ही रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं उस तरफ, प्रिंटर को छोड़ के पेपर नहीं छोड़ेंगे, फोटोकॉपी बनाएंगे। हमारे पास एक वो है ना, एक जो मल्टीफंक्शन प्रिंटर, जो प्रिंटर कॉपी स्कैनर स्कैनर थ्री इन वन है, तो उनको डिजिटल लेवल पे लाने के लिए थोड़ा सा वो आ गए उस तरफ कि मैं ईमेल अटैचमेंट भेज दूंगा, लेकिन प्रिंटर वहीं का वहीं है, उसको रिपेयर करते रहेंगे। लेकिन है, हो गया वो, वैसे सबसे पास है उनके लिए, और वो एक मतलब सरकारी नौकर रहे हैं पूरी जिंदगी, उनके लिए कागज कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस लेवल पे मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि अपने स्कैन को एक तरफ कर रहे हैं। और अगर मम्मी को देखें तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्शन, तो उनके लिए लैंडलाइन इज बिकमिंग ऑब्सोलीट। वो स्काइप ही करती हैं, अब व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया क्योंकि फोटो भी चले जाती है उसमें से,
उसमें लंबे चौड़े मैसेज आते हैं, बहुत सारे झूठ आते हैं कि एम्स ने ये कह दिया, कैंसर प्लास्टिक से होता है, ये होता है, उन मैसेजेस को आगे पीछे करने में उनको बड़ा मजा आता है। तो ऐसी चीजें मुझे हमारे घर में देखा जाए तो लैंडलाइन और जो मल्टीफंक्शन प्रिंटर है वो ऑब्सोलीट हो रहे हैं। अच्छा सभी, मुझे याद आ गया तीसरा डिवाइस जो गायब हो रहा है मार्केट से, वो है MP3 प्लेयर्स। ये धीरे धीरे सब गायब हो रहे हैं, हम सिर्फ आजकल सब अपने फोन्स पे ही सॉन्ग सुनना और वीडियोस आपको देखना डीजे के टाइम पे, शादियों के टाइम पे देखने को मिल जाएगा डीजे में, क्योंकि एक्चुअली उसका उसके अलावा आप उसको देखेंगे नहीं। एक एक्चुअली उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि जो हमारे फोन्स है हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं एवरेज क्वालिटी ऑडियो सुनने का, कि भाई फोन में बस म्यूजिक डालने की एबिलिटी डाल दो। जो डेडिकेटेड म्यूजिक प्लेयर थे जैसे सोनी के आते थे या एप्पल का आईपॉड था या माइक्रोसॉफ्ट का जून था, इनमें डेडिकेटेड ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करती थी जिन्हें ऑडियो का बहुत शौक है। लेकिन आजकल मार्केट इतना मास हो चुका है कि उन्होंने कहा कि यार ये चार लोगों के, 100 में से 4 लोगों के लिए हम ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाए, वो तो वैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। तो ऐसे तो मेरे हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो रही है उन्हें होना नहीं चाहिए। जैसे तुम में से किसी ने कहा था कि एक लैंडलाइन ऑब्सोलीट हो रहा है, जब भी तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारा नेटवर्क जहां पे भी प्रॉब्लम देता है वहां पे अगर तुम्हारे घर में लैंडलाइन है तो कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है। मेरा घर एयरपोर्ट के बहुत पास है और वहां मैं देखता हूँ नेटवर्क, किसी भी ऑपरेटर का नेटवर्क ठीक नहीं आता। एग्जैक्टली तो ऐसे मतलब एक्चुअली एक सोच के टेक्नोलॉजी को हमें ऑब्सोलीट कहना चाहिए, क्योंकि तुम कह रहे हो डीवीडी प्लेयर, मैंने एक सीडी बहुत टाइम से यूज नहीं किया, मैंने तो टीवी भी बहुत टाइम से नहीं देखा। मुझे कुछ देखना है तो मैं अपना फोन निकाल देता हूँ, न्यूज देखना है तो न्यूज के एप्स पे तुम लाइव टीवी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से हाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, टीवी है जो ऑब्सोलीट हो चुका है, कूलर ऑब्सोलीट हो चुका है क्योंकि एसी के दाम इतने कम हो चुके हैं कि लोग एसीज भी खरीदना पसंद करते कूलर की जगह पे, एटलीस्ट इन एवरेज हाउस होल्ड्स जो है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था डीवीडी प्लेयर तुम्हारे पास अगर तुम अपने घर में ढूंढोगे, कैसे इतने सारे पुराने डीवीडीज है, ऐसे कितने सारे पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के वीएचएस कैसेट्स आपको मिलेंगे जो आज के डेट में शायद आपको डिजिटली या कहीं ना मिल पाए। बहुत एक विंटेज वैल्यू हो चुका है। जैसे कि मैंने किसी के घर में एक रिकॉर्ड प्लेयर देखा था जो पुराने जमाने में होते थे, द बिग रिकॉर्ड प्लेयर्स, और उसको सुनने में इतना अच्छा लगा था कि मुझे लगता है कि इनको ऑब्सोलीट कहने से अच्छा ऐसे एक विंटेज वैल्यू देना चाहिए कुछ कुछ गैजेट्स को। तो आपके मुताबिक ऐसे कौन से गैजेट्स हैं जिन्हें विंटेज वैल्यू दिया जा सकता है जो हम कहते हैं आज ऑब्सोलीट है? मेरे लिए तो जैसे मम्मी को बड़ा शौक है, क्योंकि हम हर 3 साल देश से देश जाते थे, वो साथ में हमेशा चीजें लेके घूमते फिरते थे। मेरा जो माइक्रोवेव है ना घर में वो 18 साल पुराना है, उसको ठीक करते रहेंगे बार बार, लेकिन कभी स्प्रिंग वाला क्योंकि इसका सबसे पहले स्प्रिंग टूटता था, उसका कुछ नहीं अंदर दिखता नहीं कि कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, लाइट टूटी हुई है सब कुछ है, लेकिन छोड़ना नहीं है। कुछ लोगों को शौक भी होता है कि उन चीजों को जमा करके रखने का, कि ये हमारी यादें हैं। मैंने कुछ घरों में वो गोल वाले फोन आते थे ना पहले, जिसमें नंबर डायल करते थे गोल गोल, ऐसे भी फोन मैंने देखे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा शौक है कि भाई हमारी ये चीजें जानी नहीं चाहिए हमारे पास से, हमें किसी ने दी थी, हमारे किसी रिश्तेदार ने, दादा ने, मामा ने। मेरे पास भी ऐसी है, क्योंकि मैंने जितने भी अपने गेमिंग कॉन्सोल्स है, जो लिटिल मीडिया आता था जिसपे मारियो खेला है या प्लेस्टेशन 1 है, मुझे आज के डेट में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अगर मैं किसी 12 साल या 13 साल के बच्चे को दिखाऊँ कि जब मैं 12-13 साल का था मैं इन गेमिंग सिस्टम्स पे खेलता था, उन्हें पहले तो विश्वास होता है नहीं कि तुम्हें कंट्रोलर वायर से कनेक्ट करना पड़ता था, तुम्हें इतना पास बैठना पड़ता था टीवी के। क्योंकि आज के डेट में तुम्हारे पास वायरलेस कंट्रोलर्स है, गेम्स फोन पे। अगर कभी पूछा जाता था कि तुम अपने रिक्रिएशन या फ्री टाइम में क्या करते थे, तो मैं कहता था नीचे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, या तब फोन नहीं था, बुक को एक्चुअली बुक के तौर पे पढ़ते थे। जो एक तरीके से तुम बुक को भी ऑब्सोलीट कहते हो, क्योंकि आखिरी बार कब था जब तुमने बुक पढ़ा था? आज सुबह तुम दोनों ने देखा कि मैं जब छुट्टी पे जा रहा हूँ पुणे, मुझे अपनी बुक्स ले जानी है, तो इतनी मोटी बुक की जगह एक इतना पतला सा किंडल लेके जा रहा हूँ। तो हाँ, पर सारी किताबें उसी में। हाँ, और लेकिन फिर भी तुम देखोगे कि लोग कुछ ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं मुझे बुक्स पसंद है, वो नए बुक की खुशबू एक अलग अहमियत लाती है। मैं तुम्हें अपने बुक्स शेयर कर सकता हूँ, मैं अपना किंडल तुम्हें थोड़ी ना दे सकता हूँ। 10-12 एप्स, बहुत सारे एप्स हैं जो आ चुके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान और ये सब। फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं उनको, उनको आज भी न्यूज़पेपर खोल के पढ़ना बहुत पसंद है। मैं ये चीज़ मेट्रो में भी बहुत देखता हूँ, खाली बुजुर्ग ही नहीं, कई यंग जो जनरेशन है, मेरी एज के लोग हैं, मेरे से थोड़े से और बड़े हैं, वो लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लड़कियां हैं वो भी न्यूज़पेपर पसंद करती हैं, चाहे वो खड़े हैं तब भी उनको न्यूज़पेपर। मैं पर्सनली एक चीज बहुत मुझे बड़ी खास लगती है, बुक्स का जो फील, जो टच करके जो आप उसको बुक, जो फिजिकल बुक है वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है,
एंड मेरे हिसाब से ना लैंडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है. लैंडलाइन हर मूवी में देखो जहां पे दुनिया तबाह हो रही है सब कहते हैं लैंडलाइन ढूंढ के फोन करो, सही टावर गिर चुके हैं. ये बात सही है, मेरा भी फोन टूटा हुआ था एक हफ्ते से, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि मेरा फोन काम ना करे ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे. मैं बाकी चीजों को इस्तेमाल नहीं करता उसमें, लेकिन वो है क्योंकि मुझे रीच नहीं करता. लेकिन जिसके पास मेरा लैंडलाइन नंबर है बस वहां पे फोन आ गया. वरुण तुम्हारा लैंडलाइन नंबर दोगे? अच्छा तो हम इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं. एक ऐसा गैजेट आप बताइए जो आपके मुताबिक ऑब्सोलीट होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि बस उसे रिप्लेस किया जा सकता है, और एक ऐसा गैजेट जो आपके मुताबिक एक विंटेज वैल्यू होल्ड करता है. देखिए जिसको ऑब्सोलीट होना चाहिए, जो गायब होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो है MP4 player या MP3 player. ठीक है, हमारे फ़ोन्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और डेडिकेटेड आपने बात कही थी तो सोनी और एप्पल अपने फ़ोन्स में बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं म्यूज़िक की. सो इसको और विंटेज वैल्यू मेरे सबसे लैंडलाइन इज एंड द विंटेज वैल्यू मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, और मैं उसको शायद जब तक उसको रख सकता हूँ, उसको जब तक टेक्नोलॉजी मौजूद है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ. अच्छा अश्विनी आपके मुताबिक एक जो ऑब्सोलीट होना चाहिए और एक जो रखना चाहिए. टेक से थोड़ा अलग हटकर बता देता हूँ. न्यूज़पेपर बेसिकली पेपर को यूज करना बंद कर देना चाहिए. सेव द ट्रीज वो सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है. बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने. तो ये टेक से जुड़ा नहीं है लेकिन वो बहुत जरूरी है आज के समय में, बहुत जरूरी है. और एक ऐसी चीज, अगर आप टेक से हटके कह रहे हो तो आप टेक से हटके ये भी कह सकते हो, एक ऐसी चीज जो आपके मुताबिक विंटेज वैल्यू रखती है. ट्रीज. ठीक है, ट्रीज को बचाओ, पेपर यूज करते हो. वेरी गुड आंसर, वेरी 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 गुड आंसर. अच्छा वरुण आपके मुताबिक? थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कौन सा चुनू, लेकिन एक बात सुन के मुझे याद आया कि जैसे मैं भी अपने आप को फिल्म मेकर मानता हूँ, क्योंकि ये एक जेम्स बॉन्ड की मूवी में 2 सेकंड के लिए अपना टकला दिखा चुके हैं, और मुझे भी अभी पता चला है. लेकिन जो फिल्म स्टॉक होता है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ जाना चाहिए फिल्म मेकिंग को खास करके, क्योंकि उसी कारण से जो फिल्म है उसके डेवलपमेंट में, उसके प्रोसेसिंग में इतने केमिकल इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत बहुत ही ज्यादा हार्मफुल प्रैक्टिस है. मतलब उसको खत्म कर देना चाहिए. लोग जितना भी प्यार है या जो विंटेज वाली वहां पे लगता है उसको भूल जाना चाहिए. जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है आपके पास फिल्म मेकिंग के लिए उसी पे रहिए, फोटोज के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए, स्टिल्स के लिए, वो चीज सही है. आज से फिल्म मेकिंग थोड़ी चीप भी हो, रीजनेबल भी हो जाएगी. कॉस्ट इफेक्ट. मेरे मुताबिक मैं एक्चुअली इसको घुमा के कहूंगा. मैं कहूंगा एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे अभी के अभी ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए, वो है स्मार्ट वॉचेस. ठीक है, मैं पिछले 2 महीने से 3 अलग अलग स्मार्ट वॉचेज यूज कर चुका हूँ, और अगर मैं अपने स्मार्ट वॉच को रात को चार्ज ना करूँ या सुबह को 1-2 घंटे के लिए चार्ज ना करूँ तो मुझे टाइम भी नहीं दिखता है. तो और मुझे अपनी पुराने वॉचेस जो सोलर पावर्ड वॉचेस थी, इवन बैटरी पावर्ड वॉचेस, उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि बैटरी पावर्ड वॉचेस तो महीनों चलती थी और सोलर पावर्ड वॉचेस जो है वो तो जिंदगी भर चल सकती है अगर ख्याल रखा जाए. तो स्मार्ट वॉचेस को या तो उसकी बैटरी इंप्रूव होनी चाहिए या उसे ऑब्सोलीट होना चाहिए. और जो विंटेज वैल्यू मेरे लिए तो हमेशा मेरे गेमिंग कंसोल्स रहेंगे. जितना मैंने उनको केयर के साथ रखा है, आज भी मेरे पास अपना PS1 अगर होता पर वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन जो PS2, PS3, Xbox 360 मैंने सबको बहुत उनके ओरिजिनल बॉक्सेस को भी संभाल के रखा, जो मेरी मम्मी घर पे कहती ने फेंक दो, मैं कहता हूँ नहीं. तो मेरे हिसाब से क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उन्हें देखना चाहिए कि जो गेम्स हमें इतने मजेदार लगते थे वो कितने सिंपल थे. मारियो को देखा जाए तो मारियो की मूछ इसलिए है क्योंकि तब उन्हें चेहरा ड्रॉ करना नहीं आता, वो टोपी इसलिए पहनता है क्योंकि तब बाल नहीं ड्रॉ कर सकते थे उस जमाने में, 1980s की जब बात करें जब ये गेम्स आए थे. तो वो एक बहुत बड़ा विंटेज वैल्यू रखती है मेरे लिए. और आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपके मुताबिक कौन से गैजेट्स हैं जिन्हें ऑब्सोलीट होना चाहिए या जिन्हें विंटेज वैल्यू देना चाहिए. और ऐसी और अनोखी स्टोरीज के लिए आप digit.in पे लॉगिन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक ट्विटर पेज पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कॉमेंट्स छोड़ सकते हैं. हम आपको एक अगले वीडियो में मिलेंगे. अभी के लिए खुदाफिज़.